दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय चाणक्य IAS Academy, 29 years of excellence, extraordinary results every year, 5000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. Admissions open for Chandigarh Center. For more details, contact 7303763540. जिला ऊना में पिछले लंबे अरसे से चल रहे अवैध खनन के खिलाफ ऊना पुलिस एक्शन में आ गई है। बुधवार देर रात ASP ऊना परवीन धीमान, DSP ऊना अंकित शर्मा और SHO ऊना संजीव कुमार की अगुवाई में विभिन्न टीमों ने स्वा नदी में दस्तक दी। इस दौरान एक पोकलेन, दो JCB, 8 टिप्पर और कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस को मिली इस बड़ी कार्रवाई के बाद SP ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने आज सुबह ही पुलिस टीम के साथ स्वा नदी में पहुंचकर खनन माफिया द्वारा स्वा नदी में किए गए नुकसान का जायजा लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। SP ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि ऊना पुलिस खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इससे पहले भी पुलिस द्वारा अवैध खनन पर 18 FIR दर्ज की जा चुकी है। पिछले कल रात को हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, हालांकि इस जगह में अवैध तरीके से खनन हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन हमको काफ़ी टाइम से थी और हम कोशिश भी कर रहे थे कि किसी तरह इनको हम पकड़ पाएँ। कई बार हम जो है टिप्पर्स में, हमारी पुलिस टीम जो है टिप्पर में बैठ के खुद यहाँ पे आई है, बट हमको सक्सेस हाथ नहीं लगी। बट पिछले कल DSP हेडक्वार्टर और एडिशनल SP साहब और SHO सदर एक टीम के साथ जो है यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे मौके पे दो JCB, एक पोकलेन और 8 टिप्पर, कुछ ट्रैक्टर्स जो है मौके पे जब्त किए हैं। इसमें हमने एक FIR रजिस्टर की है रिलेवेंट सेक्शंस में और इसमें हम एक SIT गठित कर रहे हैं जिसको हेड DSP हेडक्वार्टर करेंगे और SHO सदर उनके साथ उस टीम के मेम्बर होंगे। ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन जान पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे आगे देखा और भी डंप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और यहाँ से जो माइनिंग का मटेरियल है वो उठा के जो है कहीं ले जाया जा रहा है। हमारी पुलिस टीम को इतना समय ये पता करने में इसलिए भी लगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस काम को कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी पुलिस टीम कहीं से निकलती है तो उनकी इन्फॉर्मेशन पहले ये लीगल माइनर्स के पास पहुँच जाती है, तो उसके चलते हमको एक सीक्रेट तरीके से जो है ये ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसको पकड़ने में सक्सेसफुल रहे। हमारे साथ अन्य विभाग जैसे कि रेवेन्यू और माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी भी हम पूरी डिटेल्स और रिपोर्ट जो है लेके इस इन्वेस्टिगेशन का उसको हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में हमने लगभग 18 FIR जो हैं माइनिंग, इलीगल माइनिंग पे रजिस्टर की हैं और उनमें से 4 जो हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी फॉरवर्ड की गई हैं, जिसमें से 1 FIR पे एक्शन भी हुआ है। हम बाकी इस साल के पहले हफ्ते में ही हमने ये बड़ा ऑपरेशन जो है उसको पकड़ा है और आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह के ऑपरेशन। इस तरह की आपके माध्यम से मैं सभी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करने वाले करने में जो संलिप्त हैं लोग, उनको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि वो किसी इस तरह का काम जो है वो छोड़ दें और इलीगल माइनिंग करके जो ये अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं और लोगों की ज़मीन, सरकारी संपत्ति को अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग करके ख़राब कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, क्यों रखेंगे। और अगर कोई इस काम में पाया गया या पार्टिसिपेट करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ भी हमने ये मीटिंग की है और सेपरेटली भी मीटिंग करेंगे कि इनकी तरफ से भी जो भी अगर कोई शिकायत इस तरह की आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें और पुलिस विभाग की जहाँ भी इनको आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनके साथ पूरी हेल्प करेंगे। सर, मैरिज पैलेस में ये रास्ता निकाला गया, इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, ये अगर इस एरिया में जिन जिन लोगों के साथ ये, क्योंकि हमने 120B यानी कॉन्स्पिरेसी की धाराएं भी इसमें जोड़ी हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है। जैसे कि हमको अभी आपने देखा यहाँ पे पोकलेन्स और ट्रक्स और ट्रैक्टर और यहाँ साथ में जो बड़े बड़े डंप्स लगे हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी लोग संलिप्त हैं और वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी प्रिलिमिनरी तौर पे आया है। बाकी इसकी फर्दर डिटेल में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो जो इसमें पार्टिसिपेट करते हुए पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक कोई हिरासत में या कोई गिरफ्तारियां है और जो मशीन्स हैं इसमें इन्वॉल्व वो हमने अभी जब्त की हैं। इसमें हमारे को कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आई है और उनको हम कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको हम इन्वेस्टिगेशन में अभी कंटिन्यू करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। Por plena, por plena, por plena.
फोटोग्राफी करना है। हेलो भूपिंदर, निकाल लो गाड़ी में मंगवा लो, गाड़ी जल्दी मंगवा लो। काजी निकाल भाई, गड्डी लिया सावर रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी सर, कंटिन्यू सर। ये रोड दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।